की शिफ्ट है खत्म और अभी मैं चलाऊंगी। अभी हम है विनय मुक्का में, दैट्स इन नेवाड़ा। यहाँ लव्स पे रुके रहे, हमने सोचा कि शीशे अच्छे से साफ कर ले, आपको अच्छी सी वीडियो दिखाएं। और अभी मैं यहाँ से चलाना शुरू करूंगी। ऑलमोस्ट दोपहर है, शाम है, थोड़े बादल हुए पड़े हैं, इतनी कोई धूप नहीं है आज, इट्स बेटर, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे 40 डिग्री होता है, आज सिर्फ 36 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। तो चलो फिर, और आपको जाते जाते हम गैस स्टेशन भी दिखाते हैं। जब भी आप किसी गैस स्टेशन पे हो या फिर कहीं पर डिलीवरी करने गए, पिकअप करने गए, और ट्राई करो अपना शीशा खुला रखो, बाहर की आवाजें आती रहती हैं, आपको पता चलता रहता है कहीं आप हिट तो नहीं करने लगे, कोई आपको वार्निंग तो नहीं दे रहा कि रुक जाओ। तो उसके लिए हमेशा शीशा खुला रखो। जब आप हाईवे चढ़ गए, देन इट्स ओके। शीशा खुला रखना चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कौन कहां से आ रहा है। और ये जो ट्रक आगे आ रहा है, ये टैंकर है, इसमें ज्यादातर लिक्विड चीजें सब सप्लाई करते हैं, गैस हो गई, मिल्क हो गया, वाटर हो गया। यूजुअली जो गैस स्टेशन होते हैं जहाँ पे ट्रक ड्राइवर तेल डलवाते हैं, जो भी उनको जरूरत होती है, वो हाईवे के बिल्कुल साथ ही होते हैं। हाईवे निकालो, आपको विद इन 1 किलोमीटर गैस स्टेशन दिख जाएगा। जहाँ भी आप हाईवे चढ़ते हो ना, वहाँ पे देखो 80 लिखा हुआ है उन्होंने ब्लू कलर में, दैट मींस कि यहाँ से आपको 80 हाईवे मिल जाएगा ईस्ट। ये रैंप हाईवे को चढ़ता है।
आता हूँ। कनाडा के ट्रक जो होते हैं वो 105 किलोमीटर की स्पीड पे बंधे होते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं चला सकते। अमेरिका के ट्रक जाते हैं जितने पे 120-130 पे, जितना भी वो जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उड़ते ही जाते हैं। और ये रास्ते में एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, आई होप कि ड्राइवर ठीक हो। पीछे काफ़ी ट्रैफिक लगी हुई थी और यहाँ आके देखा कि ट्रक डिच में पड़ा हुआ है। पुलिस ऑलरेडी आ गई है और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वाले भी खड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा आ गया स्लो मूविंग ट्रक्स, दैट मींस कि हम दूर तक देखो तो हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं, ये रास्ता ऊपर को जा रहा है, दैट मींस कि ट्रक स्लो होगा। अभी मैंने बोला था ना कि मैं मैनुअल करके रखती हूँ, अभी 58 पे आ गया, आरपीएम डाउन हो गई, मुझे इसका गेट डाउन करना पड़ा, ये खुद नहीं करेगा, मुझे करना पड़ा। अभी अगर ये और स्लो होगा तो इसका मैं गियर और डाउन करूंगी, अब अगर ये नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा तो फिर हम इसको फिर 12वें गियर पे कर देंगे। अभी शीशे पे आप देख सकते हो थोड़ी सी बारिश होके हटी है, बस 2 मिनट बारिश हुई और फिर हट गई। थोड़ी थोड़ी मिट्टी की खुशबू आ रही है, जैसे छोटे होते कई लोग खाते थे ना मिट्टी, उनको पता होगा। अभी ये और स्लो हो गया 48 माइल पे, 10वें गियर पे कर दिया। यहाँ पे आप क्रूज लगा सकते हो क्योंकि इसमें चढ़ना तो ऊपर ही है, खुद ही जोर लगाता रहेगा। और ये जिनका हल्का लोड होता है ये आगे निकल रहे हैं। बादल आ जाते हैं, तूफान आने वाला है, तब भी अपनी लाइट्स ऑन रखो, उसका रीजन यही है, सो दैट यू आर विजिबल। कभी कभी ऐसे होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होने लग जाती है तो हमें फ्लैशर्स भी ऑन करने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे अगर आपको नहीं अंदाजा लगता, अपने अगले वाले व्हीकल को देखो, अगर मेरे आगे वो ट्रक जा रहा है वो मुझे बहुत क्लोज आगे दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स मैं भी किसी को दिखाई नहीं दे रही, अगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तब आपको फ्लैशेस टर्न ऑन करने की जरूरत है, क्योंकि फ्लैशिंग लाइट ज्यादा कैची होती है इन कंपैरिजन टू अ स्टिल रेड लाइट और स्टिल व्हाइट लाइट। अभी फिर से बारिश होने लग गई और बारिश में लाइट्स ऑन करने का ये रीजन होता है कि अगर जैसे वो आगे ट्रक जा रहा है मैं उसको ओवरटेक करना चाहूँ और मैं लेफ्ट लेन में जा रही हूँ, उसके मिरर्स में मैं तो दिखाई नहीं दूंगी क्योंकि उसका मिरर पूरा बारिश से गंदा हो गया है, लेकिन उसको लाइट्स जरूर दिखाई देगी कि कोई व्हीकल आ रहा है, उसकी लाइट्स दिखाई दे रही है और वो मुझे ओवरटेक कर रहा है, दैट इज द रीजन। अगर मैंने लाइट्स नहीं चलाई हुई और उसको मैं नहीं दिखाई दे रही, मैं लेफ्ट लेन में हूँ और उसने एकदम से लेन चेंज कर ली, मैं जाऊंगी डिच में, वो जाएगा लेफ्ट लेन में, तो नुकसान हमारा है। अभी बारिश हट गई फिर से। अभी हम पहाड़ी के ऊपर आ गए, अभी हम डाउन जाएंगे तो इसके गियर अभी हम फिर एक बार आ देंगे। अभी इसने हाईवे चढ़ना है तो हम लेन चेंज कर लेंगे और आराम से हाईवे चल सकेंगे। अभी उसकी स्पीड बन गई, वो आगे निकल गया तो फिर से राइट लेन पे। ट्रक्स यूजुअली चलते ही राइट लेन में है। सोने की बारी है, चलो सो जाके।
सोइए जाके, फिर आपकी भी शिफ्ट है इसके बाद। बोलो कुछ। ओके चलो जी, बाकी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगी, नेपाल जी सोने जा रहे हैं। सारे पंप बंद कर रखे हैं इन्होंने। So let's go on this one। मेरे ग्लव्स घर पे रह गए, हम वेकेशन पे गए थे तो स्टोरेज से निकालना भूल गए और मुझे पाल के ग्लव्स पहनने पड़ रहे हैं। होप इट वर्क्स। अभी हम पंप को स्टार्ट करेंगे। अभी ये बार बार मुझे एरर दे जा रहा है, मैं कार्ड स्वाइप कर भी रही हूँ फिर भी एरर दे रहा है। कार्ड एरर, प्लीज ट्राई अगेन, एक बार और ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर हमें अंदर जाना पड़ेगा पंप को स्टार्ट करवाने के लिए। नहीं, हैव टू गो इनसाइड। चलो अंदर चलते हैं। अभी मैं अंदर से भी होके आई हूँ, वहां पे भी कार नहीं चल रहा, तो अभी हमने ऐप से ट्राई किया कि इस पंप को हम ऐप से एक्टिवेट करें और लेट्स सी कि वो कोड एंटर करके ये चलता है कि नहीं। ओह इट्स वर्किंग, रिमूव नोजल टू फ्यूल ट्रक डीजल, शुक्र है। दोनों टैंक फिल हो रहे हैं, तब तक हम टायर चेक कर लेते हैं। टायर्स खराब होने से या उनमें डैमेज होने से ही सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी डेफ्थ की बारी है। मैं तो सोच रही थी कि इतनी दूर इसकी पाइप आएगी कि नहीं, बट वो पहुंच गई एंड देन वी आर डन विद द फ्यूलिंग। फिर हम अंदर जाएंगे और इसकी फ्यूल की रिसिप्ट लेके आएंगे एंड उस पर हमने ओडोमीटर लिखना होता है कि कितने ओडोमीटर पे हमने तेल डलवाया, सो दैट हम इसकी एवरेज निकाल सकें कि ऑन एवरेज ट्रक कितना चल रहा है पर लीटर। फाइनली फ्यूल डन हो गया एंड आई बॉट सम पिज़्ज़ा। इनका पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा होता है, इवन इसका जो क्रस्ट है इट्स रियली रियली टेस्टी टू ईट। और अभी भी बारिश हो रही है बाहर, बारिश का मौसम, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ड्राइविंग। चले फिर। सो अभी मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है और मेरा है डिनर टाइम।
और पाल जी शावर ले आए हैं। शावर ले लिया? अभी हमारा खाने का टाइम है। पाल के लिए मैंने कुक कर दिया है जुकीनी, ओट्स एंड पनीर, एंड मैं ब्रेड खाऊंगी विद गुआकामोली, एवोकाडो, एवोकाडो। आइयो खा लो, करिए स्टार्ट फिर। चलो फैमिली को कर दो बाय बाय, अगली वीडियो च मिलते हैं अपन, बाय। एंड ऑल्सो हमें कमेंट करके जरूर बताना अपनी सिटी और स्टेट की आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो, सो दैट हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो की रीच कहाँ तक है और कहाँ कहाँ से लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।